तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब डंकी का डंका बज रहा है क्योंकि जो मूवी अभी तक लग रहा था कि भाई अभी पिटने वाली है, ये 500 करोड़ भी टच नहीं कर पाएगी, लेकिन भाई जिस हिसाब का रोड मैप इन्होंने तैयार किया है और जैसे जैसे इनके कदम बढ़ रहे हैं भाई, डेफिनेटली ये 500 करोड़ इजिली ठोक के मारने वाली है। एक बार के लिए शंका इसलिए भी जनरेट हो रही थी क्योंकि भाई साहब सामने सालार थी जो खतरे की घंटी बार बार साबित हो रही थी। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम ओवरसीज यानी वर्ल्ड वाइड में तो खतरे की घंटी साबित हो ही रही है, ना कि सिर्फ डंकी के लिए भाई सालार के लिए भी, लेकिन डोमेस्टिक रीजन पर जो सालार एक बार के लिए खतरे की घंटी थी भाई साहब, अब वो मामला मुकाबला बराबर में आ चुका है क्योंकि डंकी जो एवरेजली, क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई थी भाई बहुत फार स्टार्टिंग नहीं हुई थी, 29 या फिर 29.5 करोड़ के आसपास इन्होंने नेट इंडिया से कलेक्शन किया था डे वन के लिए, जिस हिसाब से देख के लग रहा था कि दूसरे तीसरे या चौथे या पांचवें दिन में ये मूवी ढह जाएगी, लेकिन आज ये मूवी भाई 10वें दिन पर एंट्री मार चुकी है और जो कॉन्स्टेंटली एवरेजली ग्रो कर रही है। आज तो सैटरडे है भाई साहब, बस यही चाहिए था कि सैटरडे संडे तक ये जैसे तैसे वर्किंग डेज के रेज को झेल ले और वर्किंग डेज में भी जबरदस्त कमाई करी है, जबकि थर्सडे पर, जिसके सेकेंड थर्सडे पर यानी परसों, इतना अच्छा कलेक्शन नहीं देखने को मिला था, लेकिन फ्राइडे पर भाई थर्सडे से ज़्यादा फाड़ के रखा यानी कल को। तो भाई अभी सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे, कल तक कैसा क्या कलेक्शन कर लिया है और ये मूवी कितना कलेक्शन करने वाली है, क्या इसके खाते में और आ चुका है और क्या ही आने वाला है, यानी लाइफ टाइम कलेक्शन ये मूवी कितना कलेक्शन कर लेगी, क्या करना है। वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, कल डे 9 की बात करेंगे। नेट इंडिया से 7.25 करोड़ का है अर्ली कलेक्शन यानी अर्ली एस्टिमेट आते दिख रहा है, जो ग्रॉस इंडियन कलेक्शन अराउंड 10 से 10.5 करोड़ के आसपास बनता है। ओवरसीज से 9 से 10 करोड़ के बीच में ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक कमाते नजर आ रही है। पूरी दुनिया से 19 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक यानी कल डे 9 पर अपने खाते में रख चुकी है। तो भाई साहब ये पहले 9 दिन में नेट इंडिया से कितना कलेक्शन कर चुकी है, कल एंड ऑफ द डे तक नेट इंडिया से 167.47 करोड़ ग्रॉस इंडियन कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक यानी पहले 9 दिन में 192.25 करोड़, देन ओवरसीज से 129 या फिर 128 करोड़ के आसपास ओवरसीज से कलेक्शन आते नजर आ रहा है। पूरी दुनिया से 323 करोड़ का ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा ये अपने खाते में रख रही है, जो भाई साहब बिल्कुल स्कैम की जो बातें चल रही भाई सालार के लिए एक बार के लिए वो एडमिट होते नजर आ रही है, लेकिन भाई साहब इसके लिए तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है क्योंकि ये एक्यूरेसी को टच कर रहे हैं। जो बॉक्स ऑफिस सैकनिक हैं जो मिनटों में डेटाज को कवर करते हैं, ना कि नेट इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड के स्तर पर भी वो जबरदस्त एक्यूरेसी को टच करने की कोशिश करते हैं, इन दोनों की रिपोर्ट मिलती जुलती चल रही है। तो भाई लेकिन सालार में बहुत ज़्यादा गैपिंग देखने को मिल रही है, तो एक बार के लिए लग रहा है कि चलो ठीक है सालार के मेकर्स एक बार के लिए बरगला रहे हों, लेकिन आई डोंट नो क्या ही वो बात है, क्योंकि बहुत सी न्यूज़ रिपोर्टर्स, बहुत सी बड़े बड़े क्रिटिक्स इस बात को कह रहे हैं, ये मेरे वर्ड नहीं है। तो ऐसा कल डे 9 तक इस मूवी ने जबरदस्त तबाही मचाई है और ब्लॉकबस्टर हिट की लिस्ट में ये बस आगे बढ़ते जा रही है, क्योंकि सुपर डुपर हिट तो ये मूवी बन ही चुकी है। और जिस हिसाब से भाई साहब इस मूवी को प्यार मिल रहा है, जिस हिसाब से सिंगल लैंग्वेज सिर्फ हिंदी के दम पर ये मूवी आज जबरदस्त कमाई करते नजर आ रही, जबकि सालार को देखें तो भाई मल्टी लैंग्वेज मूवी है, लेकिन भाई सालार की उतनी अच्छी कलेक्शन नहीं देखने को मिली। स्टार्टिंग बड़ी सॉलिड थी, फुल फाड़ू बॉम्बास्टिक कह सकते हैं हम उसको, लेकिन अब जो है सालार बिल्कुल भाई साहब बराबर पे आ चुका है, जैसा डंकी को कलेक्शन जा रहे हैं वैसा ही उसको जा रहे हैं, लेकिन डंकी की रिदम कॉन्स्टेंटली एवरेजली सेम चल रही है। भाई आज 10वें दिन तक की बात करें यानी आज डे 10 है, आज की कैसी बुकिंग चल रही है, आज सेकंड सैटरडे है जिसका सभी को इंतजार था कि चलो ठीक है वर्किंग डेज में नहीं हो पाता है, लेकिन हॉलीडेज में भाई मूवी ग्रो करती है और यस वो ग्रो करते नजर आ रही है। आज बुकिंग ही, एडवांस बुकिंग ही लगभग 3 करोड़ के आसपास देखते नजर आ रहे हैं, जो नेट इंडिया से आज एंड ऑफ द डे तक 10 करोड़ की कमाई करते नजर आ रही है। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 13 करोड़, पूरी दुनिया से 23 या 24 करोड़ के आसपास ये मूवी कवरअप करते नजर आ रही है। ये अर्ली एस्टिमेट है जो बहुत मिनिमम स्केल पर सेट कराया गया है, लेकिन जब ये ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी डेफिनेटली आई गारंटीड यू जो नेट इंडियन कलेक्शन 10 करोड़ देखने को मिल रहा है ये 12 से 13 करोड़ हो जाएगा इजिली, लेकिन अर्ली एस्टिमेट भाई साहब, क्योंकि ये जो स्कैम की बातें चल रही है भाई साहब, इस टाइम इतनी फ्लेक्सिबल रिपोर्ट है मैंने कभी नहीं देखी यार। मतलब गदर 2 और OMG 2 का भी बिग क्लैश हुआ था, लेकिन भाई साहब उस समय पर भी इतना ज़्यादा क्लैश देखने को नहीं मिल रहा था। गदर 2 को बहुत अच्छा एक्यूरेसी टच कर रही थी उसकी रिपोर्ट, लेकिन यहाँ पर भाई
कौन सही है कौन नहीं सही है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन डंकी के लिए जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल भाई स्लाइटली टच कर रही है, प्रोबेबिलिटी इसकी जो एक्यूरेसी को टच करती है 90 से 92 या फिर 95% टच कर रही है। बट लेकिन सालार के टाइम पर भाई साहब 60-70% की प्रोबेबिलिटी वहाँ टच करती नजर आ रही है एक्यूरेसी को इन कलेक्शन ऑफ बॉक्स ऑफिस। तो भाई साहब मुद्दे की बात पर ये आते हैं कि ये लाइफ टाइम कलेक्शन कितना करेगी, क्योंकि बहुत रेज झेल रही है भाई, इतना बड़ा क्लैश चल रहा है, बावजूद इसके इतनी ह्यूज इनकम ये मूवी कर रही है और करेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि भाई साहब राजकुमार हिरानी का नाम जुड़ा है जो अपनी एक अलग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइनेस्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा, नॉट बॉलीवुड, होल इंडियन सिनेमा, वर्ल्ड वाइड भी कह दूं तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भाई साहब ये थिंकिंग लेवल, ये विजन और उस हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करना, फिर पब्लिक के तक पहुंचाना, देन उसको हिट करना पब्लिक को, इस सुपर डुपर अमेजिंग। तो भाई साहब ये मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है लाइफ टाइम, भाई मैं मान के चल रहा हूँ इजीली 500 करोड़ ठोक के जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या 500 करोड़ से ऊपर भी जाएगी या नहीं जाएगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय।